आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये रैली न हो पाए, लेकिन मेघालय की जनता से जुड़ने के लिए, तुरा की जनता से जुड़ने के लिए मोदी को मैदान की जरूरत नहीं है। अरे मोदी को तो मेघालय वासियों ने अपने दिल में ही जगह दे के रखी हुई है। और मैं यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ, मेघालय के लोगों, मेघालय के लोगों की एक ही पुकार है, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। और मेघालय में बीजेपी सरकार के होने का मतलब क्या है, ये मतलब मेघालय के लोग भली भांति जानते हैं। ये मतलब है मेघालय में बीजेपी सरकार यानी मेघालय का तेज विकास बिना भेदभाव, मेघालय के हर क्षेत्र का विकास। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी बम, ब्लॉकेड और हिंसा से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी हर रीजन और हर रिलीजन को सपोर्ट करने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी घोटालों और करप्शन से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी गरीबों को पक्का घर, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंचाने वाली सरकार। तो रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहाँ की महिलाओं, बहनों, बेटियों की दिक्कतें कम करने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि मेघालय के ट्राइबल कल्चर, यहाँ के म्यूजिक, यहाँ की भाषा का प्रचार प्रसार हो। हमारी सरकार ने जब मेघालय के प्रोफेसर बादा पलीन बोर और म्यूजिशियन रिसिंग बोर कुरकालांग को पद्म सम्मान दिया, तो उसके पीछे भी यही भावना थी। मन की बात कार्यक्रम में भी मुझे मेघालय के कल्चर, यहाँ के सामर्थ्य के बारे में बताने का अवसर मिलता रहता है। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में आपने जिस प्रकार वीर यूथ तिरोत सिंह जी को याद किया, उसको मैंने देश के साथ शेयर किया। मेघालय की ऐसी वीर गाथाओं से देशवासियों को भी प्रेरणा मिलती है। देश के अधिकतर लोगों को लगता था कि चेरी ब्लॉसम सिर्फ जापान का ही फेमस है, लेकिन जब मैंने मेघालय के चेरी ब्लॉसम की बात
मन की बात में बताई तो इससे लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। मेघालय की फ्लाइंग बोट हो या फिर जयंतिया हिल्स में मिली केव फिश, करोड़ों लोगों की इनकी जानकारी मन की बात से ही मिली है। मेघालय की पहचान बढ़ रही है। अब तो मेघालय में G20 की मीटिंग भी होने वाली है जिसमें दुनिया के अनेक विकसित देशों के लोग यहां आएंगे। इससे मेघालय की पहचान दुनिया भर में सशक्त होने वाली है। साथियों, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच को बदल दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस के लोगों को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती थी। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। पड़ोस में आसाम हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है। लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं, जो भर्तियां होती हैं उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है,
मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों आदिवासी गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची। गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइन हो, पानी हो, हर काम के लिए पहले से कहीं अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिकॉर्ड बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5000 करोड़। मेघालय के 11 जिले आज नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार मेघालय को आसपास के देशों से भी जोड़ना चाहती है। कोशिश यही है कि यहाँ के किसानों, फल सब्जी उगाने वालों को बड़े बाजार मिले, ज्यादा इनकम हो। तुरा दालू नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इससे गारो हिल्स की असम और बांग्लादेश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेघालय और म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन वर्षों में मेघालय की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है। आज मेघालय के ट्राइबल गांवों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सैकड़ों टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों से वहां बीजेपी सरकार है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। बीजेपी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई। मेघालय के 20 लाख से अधिक साथियों को मुफ्त राशन बिना भेदभाव के मिल रहा है। मेघालय के गरीब परिवारों की लगभग 75,000 पक्के घर बिना किसी भेदभाव के स्वीकृत हुए हैं। जो परिवार अभी रह गए हैं वो भी मेरी बात पे भरोसा करना, जिनका अभी काम बाकी है वो भी मैं पूरा करूंगा, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। मेघालय की 6 लाख से अधिक बहनों को नल से जल योजना के तहत नल का कनेक्शन केंद्र सरकार दे चुकी है। हमने रिलीजन नहीं देखा, सिर्फ हमारी माताओं बहनों की सुविधा देखी है। भाई और बहनों, बीजेपी के लिए
सबसे बड़ा देश और सबसे पहले ये मेरे देशवासी हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इराक में तूफान चल रहा था, हमारे केरल से गई हुई करीब करीब 50 नर्सें, हमारी नर्सिंग का काम करने वाली बहनें जो केरल से थी, ईसाई इंस्टीट्यूटों में पढ़ करके बड़ी हुई थी, आतंकवादियों ने उनके लिए संकट पैदा कर दिया। वे चर्च जाती हो लेकिन हमारे लिए वो तो सिर्फ मां भारत की बेटियां थी। इसलिए आप खुश हो जाएंगे, इन 50 जितनी हमारी नर्स बहनों को आतंकवादियों से बचा करके हम हिंदुस्तान वापस ले आए थे। हम रिलीजियन नहीं देखते हैं। आप वो दिन भी याद करिए, हमारे एक पादरी फादर एलेक्स प्रेम कुमार, ये फादर एलेक्स प्रेम कुमार अफगानिस्तान गए थे, आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया तालिबान वालों ने, और जिस तरह वहां के हालात थे उनके परिवार ने भी आशा छोड़ दी थी कि ये हमारा फादर प्रेम कुमार वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमने ठान लिया था रिलीजन कोई भी हो हम पूरी ताकत लगा देंगे, और हम कई महीनों के बाद फादर प्रेम कुमार को वापस लाए थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का वादा उनके परिवार को किया था, ईसाई समाज के धर्मगुरु मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको वादा किया था। आज मुझे संतोष है कि वो काम भी हमने कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है जो नेशन फर्स्ट और पीपल फर्स्ट को लेकर बीजेपी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। इसका लाभ मेघालय के जनजातीय समुदायों को भी होने वाला है। बीजेपी सरकार ने बैंबू से जुड़ा जो पुराना कानून उसको भी खत्म किया, उसका लाभ भी हमारे ट्राइबल समाज को हो रहा है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 150 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी, आज ये बढ़कर करीब 400 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्वीकृत की है। इनमें से लगभग 40 स्कूल मेघालय में ही बन रहे हैं। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने इन एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, केंद्र की बीजेपी की सरकार, उसकी कृषि नीतियों का भी बहुत बड़ा लाभ मेघालय को होने वाला है। मेघालय नेचुरल फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज पूरे देश में
नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार मदद दे रही है। इस वर्ष के बजट में नेचुरल फार्मिंग में मदद के लिए हजारों हेल्थ सेंटर बनाने का प्रावधान किया गया है। ये सेंटर किसानों को जरूरी मदद देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि से मेघालय के 2 लाख किसान परिवारों को लाभ हो रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच चुके हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मैं मेघालय बीजेपी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस राशि को 6000 से बढ़ा करके 8000 रुपया करने का संकल्प लिया है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। साथियों, मेघालय की स्पोर्ट्स पावर देश की पावर है। मेघालय ने युगेन्सन लिंगदो मार्चिवडोर बार नांगबरी और मारलांग की सटिंग जैसे महान खिलाड़ी देश को दिए हैं। बीजेपी मेघालय के स्पोर्टिंग टैलेंट को आगे लाना चाहती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मेघालय में भी इसके लिए केंद्र सरकार बहुत मदद दे रही है। यहाँ तुरा में बन रहा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका उदाहरण है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ के युवा खिलाड़ियों को बहुत लाभ होने वाला है। यहाँ हम बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा पाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास कैसे हर काम तभी तेजी से हो पाएंगे जब शिलोंग और दिल्ली दोनों जगह पे बीजेपी सरकार होगी। मेघालय के लिए दिल्ली से भेजी पाई पाई का सदुपयोग तभी होगा जब यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, मेघालय में भी मिल रहा है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है। और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा। मैं आपसे एक और काम भी कहना चाहता हूं, करोगे?
एक काम बताओ करोगे? लेकिन मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? तुरा के सब लोग करेंगे, मेघालय के सब लोग करेंगे, वादा करिए, हाथ ऊपर करके पक्का करेंगे, करेंगे। तो मेरा एक काम है, आप मतदान के पहले भी 2-3 दिन बाकी है, घर घर जाना, जाएंगे घर घर जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे। शाबाश, हर घर जाकर के कहना है कि अपने मोदी जी तुरा आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, नमस्कार कहा है। क्या इतने मेरी बात पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे। जब आप उनको मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे ना, तो सारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ताकत देश के लिए और काम आएगी, और मजबूती से काम आएगी। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, घर घर जाकर के बताना कि मोदी जी तुरा आए थे और आपको नमस्कार कहा है, इतना जरूर करना। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।